अयोध्या के राजा दशरथ नारी कैसे बने और किस संतान को दिया था जन्म। एक दिन जब राजा दशरथ शिकार करने के लिए वन में गए, तब उन्हें बहुत देर शिकार नहीं मिला और वे थक गए। उन्हें प्यास लगी, वे पानी पीने के लिए एक तालाब के पास पहुँचे, जो कि इंद्रलोक की अप्सराओं के स्नान के लिए आरक्षित था, जिसका संरक्षण ऋषि श्रृंग करते थे। उन्होंने उस तालाब के संरक्षण के लिए अपने शक्तियों से कुछ ऐसा करके रखा था कि अगर उसमें कोई पुरुष नहाए या उसका पानी पिए तो वह तुरंत ही स्त्री में बदल जाएगा। बस यही गलती महाराज दशरथ से हुई। उन्हें प्यास लगी थी तो उन्होंने जाकर उस तालाब का पानी पी लिया और वह तुरंत ही स्त्री रूप में बदल गए। ऐसे में उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वह लौटकर अपने राज्य में भी नहीं जा सकते थे। तभी वहां से अंग देश के राजा रोमपाद गुजर रहे थे। उनकी नज़र महाराज दशरथ पर पड़ी, जो कि अब एक सुंदर अप्सरा बन गए थे। तब वह उनसे बात करने गए तो महाराज दशरथ ने बताया कि वह अपनी याददाश्त भूल गए हैं और इस वन में गुम हो गई हैं। तो ऐसे में वह राजा रोमपाद उसे अपने साथ अंग देश ले जाते हैं और उनसे शादी करते हैं। तब उन्हें आगे जाकर शांता नाम की लड़की होती है। कुछ समय बाद जब अयोध्या में चर्चा होती है कि महाराज दशरथ कहाँ है, तब ऋषि वशिष्ठ अपने मंत्री आर्य सुमंत को शोध कार्य के लिए भेजते हैं। आर्य सुमंत को सारी हकीकत का पता श्रृंग ऋषि से पता चलता है तो वह अंग देश जाते हैं और नारी रूपी दशरथ महाराज को लेकर ऋषि श्रृंग के पास लाते हैं। तब जाकर श्रृंग ऋषि उन्हें अपने तप शक्ति से पुनः अपना पूर्ण तत्व वापस करते हैं।